हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ इस हादसे की। 14 अप्रैल 2022 को शाम के 8:30 बजे दिल्ली के विधानसभा से विश्वविद्यालय की तरफ आते हुए यह दिल दहला देने वाला नज़ारा मैंने देखा। यह होंडा अमेज BS6 गाड़ी है जिसमें रेट्रोफिटेड CNG है, जो चंद मिनटों में मेरे सामने जलकर खाक हो गई। मेरे पास टाटा टियागो गाड़ी है जिसमें मैंने CNG किट लगवाई हुई है, जिसका CNG रिव्यू कि वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है। अगर आप देखना चाहे तो ऊपर आई बटन को दबाकर देख सकते हैं। तो इस जलती हुई गाड़ी को देखकर मेरे मन में भी सवाल आया कि बाहर से CNG लगवाना सेफ होता है या नहीं। तो इसके लिए मैंने इंटरनेट पर बहुत रिसर्च किया और जानकार लोगों से बात की। जो उनका एक्सपीरियंस है वही मैं इस वीडियो में आज शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मेन बात यह है कि गाड़ी में आग लगने के बहुत से कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि CNG की वजह से ही गाड़ी में आग लगे। इसका एक एग्जांपल मेरे दोस्त ने दिया। उसके पास सेंट्रो गाड़ी थी जिसमें सालों से वह CNG किट यूज़ कर रहा था। उसने बताया एक दिन उसने देखा कि चलती गाड़ी से AC वेंट से आग और धुआं निकलता हुआ उसे दिखा, तो उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी में एक पानी की बॉटल रखी थी, उसने बॉटल खोलकर पानी AC वेंट से अंदर डाल दिया। बाद में मैकेनिक से चेक करवाया तो मैकेनिक ने बताया तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ था और इस आग का CNG किट से कोई भी लेना देना नहीं था। तो मेरा पहला पॉइंट इसी बात से जुड़ा है, अगर कोई अपनी गाड़ी का बेस मॉडल लेता है और सोचता है उसमें सब कुछ लगा कर उसे टॉप मॉडल बना देगा, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग को कट ना करे और एक्स्ट्रा वायरिंग भी हो पाए तो ना डलवाए। गलत वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होना और गाड़ी में आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि CNG की फिटिंग किसी अच्छी जगह और ऑथराइज जगह से ही करवाए और टाइम टू टाइम चेक भी करवाते रहे कि कहीं से लीकेज ना हो। आप खुद ही सोचिए, रोड पर कंपनी फिटेड CNG ऑटो रिक्शाज और कमर्शियल व्हीकल्स इतने सारे हैं जो रोज़ इतना चलते हैं, पर उनमें आग लगने की घटनाएं कभी सुनने को मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो इससे पता चलता है कि CNG तो सेफ है पर गलती अक्सर फिटिंग की होती है, इसलिए अच्छी और ऑथराइज जगह से ही फिटिंग करवाए और टाइम टू टाइम चेक ज़रूर करवाए, लीकेज ना हो। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने CNG फिटिंग वाली गाड़ी में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर ज़रूर रखे, और कहीं छोटी सी भी आग चिंगारी कुछ दिखती है तो जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर खोलकर उसे बुझा दे। आज की बात को मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।